ये प्रोग्राम बनाया इसमें मैं एक लूप रन कर रहा हूं 10,000 टाइम्स इस तरह से। अब ये क्या करेगा 10,000 टाइम्स प्रिंट करेगा। जब तक ये प्रिंट कंप्लीट नहीं करता क्या ये बाय प्रिंट हो सकता है? पूरा चलेगा फिर नीचे आएगा ना। लेकिन नॉर्मली प्रोग्राम क्या कर रहे होते हैं, वो अपना काम भी कर रहा है, इग्निशन एक तरफ आपका टाइमर चल रहा होता है, दूसरी तरफ आपके दूसरा एक्शन चल रहे होते हैं। तो इस चीज को हम किस तरह मैनेज करते हैं, इस चीज को हम करते हैं थ्रेडिंग में मैनेज, मल्टी थ्रेडिंग। ये जो काम हो रहा है उनको हम कहते हैं थ्रेड। कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर कोई भी आपकी एप्लीकेशन चल रही है, ये कहलाती है प्रोसेस। एक प्रोसेस चल रहा है, स्काइप का प्रोसेस चल रहा है, या गूगल क्रोम का प्रोसेस चल रहा है, या कैलकुलेटर का प्रोसेस चल रहा है। अब गूगल क्रोम का प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर आते हैं 10 टैब खोले हुए, 10 वेबसाइट चल रही है। तो प्रोसेस के अंदर ये थ्रेड चल रहे हो, 10 थ्रेड चल रहा है, 10 वेबसाइट चल रही है। जब स्काइप ओपन करते ना तो एक प्रोसेस क्रिएट होता है आपके कंप्यूटर में, उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारा थ्रेड है। एक थ्रेड आपको कॉलिंग में मदद देता है, वेट करते हुए इनकमिंग कॉल तो नहीं आ रही, आए तो आपको बताता है। दूसरा थ्रेड आपको मैसेज में देता है, इनकमिंग मैसेज चेक कर रहा होता है। तीसरा वेट करता है आप कोई चीज उसको दो, कोई कॉल कर दो वो करेगा। फोर्थ कनेक्ट कर रहा होता है कि भाई कनेक्टिविटी है नेट की या नहीं है, तो एकदम ब्लू हो जाता है, वो वायर हो जाता है कि नेट डिसकनेक्टेड, ठीक है। और मैसेज सेंड मतलब बहुत सारी चीजें होती है। और देखने के लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे आप उसके विंडोज के टास्क मैनेजर में जब जाओगे, यहाँ पे इसमें तो ये जो है ना, ये सारे प्रोसेस चल रहा है मेरे कंप्यूटर में, सारे प्रोसेस है। अभी क्रोम भी चल रहा है ना, क्रोम है या फिर जो भी है, जैसे मिसाल के तौर पर ये स्काइप चल रहा है। इसके आगे लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर कितने थ्रेड चल रहे हैं, यहाँ 13, 7, 37 47, 11 एक भी होता है अक्सर। अभी तक जो हमने जावा चलाई ना, हमने एक ही थ्रेड चलाया, ये कोई होगी लेम लॉड ये एप्लीकेशन विंडोज की, एक भी चल रहा है होता है। अब जैसे ये हमारा जावा का प्रोग्राम है, ये वाला, ये एक थ्रेड, इस प्रोग्राम के अंदर एक थ्रेड चल रहा है, सही है। वो थ्रेड क्या करता है, वो पहले लूप कंप्लीट कर रहा है, फिर बाहर निकल जाए। अब इस एक थ्रेड को हम बीच में खत्म भी कर सकते, कि मैं थ्रेड के बीच में कह दूं बंद हो जाए, लैग प्रिंट हो रहा है ना 10,000 तक, मैं 2,000 पे कहता हूँ कि थ्रेड खत्म हो जाए, थ्रेड खत्म होकर प्रोग्राम बंद हो जाए, सिस्टम डॉट एग्जिट देते हैं। या फिर इसे हम कहें कि ये थ्रेड थोड़ी देर के लिए सो जाए, रुक जाए, होल्ड हो जाए थोड़े सेकंड के लिए, तो रुक भी जाएगा। कैसे के देखिए, मैंने एक हेलो प्रिंट किया, एक आई प्रिंट, दो चीजें प्रिंट की और ये एज इट इज प्रिंट हो गई हेलो एंड प्रोग्राम बंद हो गया अपना काम कर। अब मैं कहता हूं इसमें कि ये जो लाइन है ना, पहली लाइन प्रिंट करे, और ये थ्रेड जो चल रहा है, प्रोसेस जो चल रहा है, ये थोड़ी देर के लिए रुक जाए। तो इसके लिए हम जावा में यूज करते हैं थ्रेड क्लास। थ्रेड एक बनी बनी क्लास है जावा में, जिसको यूज करते हैं उसके मेथड को कॉल करने का। थ्रेड क्लास का स्टैटिक मेथड है स्लीप। ये आपसे आर्ग्यूमेंट में लेता है मिली सेकेंड, सेकेंड से मिली सेकेंड,
सेकेंड 1000 मिली सेकेंड के बराबर। मिली सेकेंड में आप बताते हैं कितनी देर के लिए स्लीप करना है, कितनी देर के लिए पोस्ट करना है। मैं इसमें कह रहा हूं 3000 मतलब 3 सेकेंड। हेलो प्रिंट करो, 3 सेकेंड के लिए पोज लो, फिर बात करेंगे। जब हम इसको रन करेंगे ना, कंपाइल करेंगे, नहीं ये इसी लाइन पैकेज में, इसी पैकेज में होती है डिफॉल्ट। अच्छा जुम्मा है ना, ज्यादा जुम्मा लग रहा है, ज्यादा जुम्मा लग रहा है। स्टार्टिंग है ज्यादा, आगे नहीं बढ़ा। तो स्लीप मेथड ये जो है ये क्या करता है, ये आपके चलते हुए प्रोग्राम को 3 सेकंड के लिए रोक देगा, 3000 मिली सेकंड के लिए रोक देगा। जितने रखे 3000 मिली सेकंड रखे, ये मिली सेकंड है, मिली सेकंड मिली सेकंड मिली। लेकिन इसको जब मैं कंपाइल करूंगा ना, ये एरर आएगा सर, इससे कम कर लो मिनट में 60,000 मिली सेकंड इज इक्वल टू 60 सेकंड, 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। किसी भी समान होते हैं ऐसे, किसी थ्रेड को पोस्ट कर देंगे कि हमें किसी प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए रोकना, फिर वापस चला। अभी इसमें देखो आउटपुट आएगा, समझ आ जाएगा क्यों जो भाई वीडियो में, वीडियो में काफ़ी जगह। अभी देखो इस पर कैसे होगा आउटपुट के साथ, ये अगर क्यों आ रहा है, नहीं आइडिया पढ़ सुनेंगे यार, मतलब उसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक्सेप्शन, क्योंकि ये जो मेथड है ना स्लीप, ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो ये कह रहा है आप इसको ट्राई कैच में रखो, वरना नहीं चलेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्रोसेसर को, आपके प्रोसेसर को स्टॉप कर रहा होता है। तो अगर उसमें कोई एक्सेप्शन आ जाती है, प्रोसेसर मना कर दे या कुछ काम ऐसा हो जाए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। इसको ट्राई करते हैं। अब क्या होगा कि आपका हेलो प्रिंट होगा, 3 सेकंड के लिए रुकेगा, फिर ये बाय प्रिंट करेगा। एग्जांपल में हेलो 1 2 3 बाय, समझ गए। काफी जगह ये काफी जगह हो सकता है, मिसाल के तौर पर चैट रूम में हो सकता है, और बहुत इसके बहुत यूसेज है। इसके और यूसेज क्या है, किस तरह होता है, एक एग्जांपल और कराते हैं। ये तो हो गए 2 लाइन, इसमें थोड़ी जितनी दफा चाहे यूज कर सकते ना। मैं ये कर सकता हूँ बाय के बाद 2 सेकंड स्लीप कर दो, फिर कुछ प्रिंट करा, सही है। लेकिन ये प्रोसेस रोक देगा। अब इसमें देखें, हम एक काम करते हैं, एक लूप रन करते हैं 1000 टाइम्स। अभी अभी आज भी ये लूप क्या कर रहा है, ये 1009 आई करंट कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 है ना। ये लूप तो आपका सिंपल 1000 प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इसमें ये लाइन लगा दूं कि आप प्रिंट करो और 1 सेकंड के लिए स्लीप हो, एक बार प्रिंट करो स्लीप हो जाओ, फिर वापस प्रिंट करो फिर स्लीप हो जाओ, वापस चलेगी ना, वापस लूप के अंदर है थ्रेड डॉट स्लीप लाइन। तो अब इसमें क्या होगा, थाउजेंड मिली सेकंड, 1 सेकंड के बराबर हो गया, सही है। प्रोग्राम को रोक रोक के चला रहे हैं। अब ये काम कहाँ सकता है, जो भी काम रिपीटेडली करवाना हो या फिर जो भी काम रुक-रुक के करवाना हो, जैसे मिसाल के तौर पे क्लॉक टाइम आता है, हर सेकंड बाद वो नया टाइम उठा के ला रहा होता है, टाइम उठाता है 1 सेकंड रुक जाता है, फिर टाइम उठाता फिर 1 सेकंड रुक जाता, तो वो आपकी टाइमर जो चल रहा होगा उस तरह से।
या फिर जो हमने स्नेक गेम बनाया था पहले, लोकेशन में 5 प्लस करें रुक जाए, फिर 5 प्लस करें रुक जाए, फिर 5 प्लस करें रुक जाए, तो ऐसा लगेगा स्नेक चल रहा है। बहुत चीज बहुत कम जैसे स्नेक हमने कल चलाया था याद है ना 30 कर, अगर वो थ्रेड डाल रहा था उसके लोकेशन 0 हो जाए और 1 सेकंड रुक जाए, फिर 5 हो जाए फिर 1 सेकंड रुक जाए, फिर 10 हो जाए फिर 1 सेकंड रुक जाए, तो ऐसा लगेगा ये ऐसे चल रहा था, स्नेक चल रहा है, करेंगे ग्राफिक्स को भी करते हैं उसको। तो ये काम क्या होता है ग्राफिक्स में, सॉरी इसमें कंसोल में, ये एक एक सेकंड के लिए ही चला रहा है। अभी इसमें वो काम नहीं हुआ मल्टी वाला जो मैं डिफाइन कर रहा था पहले कि एक प्रोग्राम एक साथ ज्यादा काम कैसे करता है, अभी नहीं कर रहा, अभी एक ही काम कर रहा है और उसी काम को हम छेड़ रहे हैं रोक रहे हैं बार, सही क्लियर है। ये सिंगल मेथड सिर्फ ये काम है, यूसेज इसके बहुत सारे हैं, अभी देखते हैं इसकी यूसेज क्या क्या है। अब इसमें इससे मैं लूप को रन कर रहा हूं 10 times, और यहां प्रिंट कर रहा हूं बाय, ठीक है, बार बार चेक करता रहता है, टाइमर चलता रहता है, बहुत जगह यूज, मतलब तकरीबन हर जगह यूज हो रहा है, प्रोग्रेस बार में चलेगा, काफी जगह चलेगा। लेकिन अब इसमें क्या होगा, ये 10 बार प्रिंट करेगा फिर वायर प्रिंट करेगा, लूप से बाहर है ना, एक एक सेकंड बाद 10 बार प्रिंट करेगा, जब लूप खत्म हो जाएगा वायर प्रिंट करेगा, क्योंकि ये एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम ऊपर से नीचे तक चल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अपना काम करता नीचे वायर प्रिंट हो जाए, या फिर दो लूप लगे हैं वो उधर चल रहा है इधर चल रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें यहाँ, लेकिन ये होनी चाहिए क्योंकि एक सॉफ्टवेयर मल्टीपल काम एक साथ करता होता है। जैसे मैं शुरू में एग्जांपल दे रहा था, स्काइप की कॉल भी चल रही है तो मैसेज भी चल रहे होते, ये काम किस तरह करते हैं, ये तो अभी हमने किए छेड़छाड़ जो करंट थ्रेड चल रहा है मेन थ्रेड से, अब हम बनाते हैं अपना खुद का एक नया थ्रेड, एक थ्रेड तो हो गया जावा भाई मेन थ्रेड, ये मेन मेथड मेन थ्रेड कहलाता है, ये हो गया, ये अपनी जगह चलता रहे, एक मैं बना रहा हूं अपना नया थ्रेड, ठीक है, नया थ्रेड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नई क्लास बनाएंगे, नई क्लास बनाएंगे, इसी क्लास में बनाना सीखेंगे आगे, फिलहाल नई क्लास में हम बनाते हैं नई क्लास, क्लास माय थ्रेड, सही। अपना थ्रेड बनाने के लिए रूल ये है, पहला तीन तरीके होते हैं बनाने के, पहला तरीका ये है इस क्लास को माय थ्रेड के कोई भी नाम हो ना, मेरा नाम कुछ भी नाम, लेकिन एक्सटेंड करवाना जरूरी है थ्रेड क्लास, चाइल्ड बनाना जरूरी है थ्रेड एग्जैक्ट नहीं थ्रेड क्लास, जो जावा की थ्रेड क्लास है ना उससे इसको चाइल्ड बनाना जरूरी है, तब ये थ्रेड टाइप की बन जाएगी, ठीक है, ये ना आप कोई भी रख लो, ये आपकी मर्जी है। अच्छा सर, अगर हमें ये फॉर एग्जांपल एग्जांपल वाली क्लास बनाना है, नहीं बनाएंगे तो ये प्रोग्राम टाइप थ्रेड से, मतलब जल्दी बनाना होगा, हां ये अभी इसका रिलेशन उससे कुछ भी नहीं है, अभी हम नया बना रहे हैं, ठीक है, इसको हम नया थ्रेड बना रहे हैं। नया थ्रेड बनाने का पहला रूल तो ये है कि आपने इसको एक्सटेंड करवाना, दूसरा रूल ये है कि इसके अंदर एक मेथड ओवरराइड करना है, वो मेथड ऑलरेडी मौजूद है थ्रेड क्लास में, यहां उसको फिर से बनाना है, ओवरराइड करना है, मेथड है रन, पब्लिक वाइड रन, रन मेथड, ये मेथड क्या करता है, ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी वो इस थ्रेड को स्टार्ट करता है, कोई भी थ्रेड को स्टार्ट करेगा ना, ये रन का मेथड ऑटोमेटिकली चल जाएगा, और रन के मेथड में आपने जो लिखना है वो लिखते हैं, वो काम आपका हो जाएगा, समझ आया? नहीं, इसमें एक काम करते हैं थोड़ा सा, इसमें हम करते हैं एक हम लूप लगाते हैं, ये मेथड भी थ्रेड भी तो कुछ काम करे,
कंस्ट्रक्टर नहीं, हम इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं है, रन के मेथड में कोई काम कर रहा है। रन के मेथड में क्या कह रहा हूं मैं कि ये एक लूप चले, कि जब भी ये मेथड ये थ्रेड कोई स्टार्ट करे तो ये 1000 टाइम लूप चले और एक एक सेकंड बाद प्रिंट करता है, क्या प्रिंट करे, फ्रॉम थ्रेड जीरो, फ्रॉम थ्रेड वन, फ्रॉम थ्रेड टू, अगर ये रन हो, अगर ये मेथड चले तो सही। अब देखिए क्या करते हैं, हम इस चीज को फिलहाल हटा देते, यहां से अब मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और थ्रेड स्टार्ट कर लो, थ्रेड स्टार्ट कर लो, माय थ्रेड इक्वल टू न्यू ऑफ माय थ्रेड, ये बन गया थ्रेड, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अब इसका मेथड कॉल करना पड़ेगा स्टार्ट, स्टार्ट मेथड इस क्लास में कहां से आया, इसके पेरेंट्स, इसमें तो नहीं है ना लेकिन पेरेंट्स आया, तो स्टार्ट भी होगा। अब देखो इसमें स्टॉप भी, स्टॉप भी, बिल्कुल स्टार्ट क्या करता है कि जो रन में लिखा हुआ है ना उस चीज को रन करता है लेकिन एक नई जगह पे ले जाके, आपका जो प्रोग्राम चल रहा है थ्रेड इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, एक नया थ्रेड बना के रन करेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां लिखता ना रन, अब भी कर रहा है लेकिन हम नया थ्रेडिंग बना रहा है, इसी थ्रेड में कर रहा है, अभी थ्रेडिंग नहीं हुई। अब अगर मैं यहां पे प्रिंट करवाता हूं, काम हो रहा है, पॉसिबल है, काम हो रहा है, अभी जो उसके अंदर लिखा है वो चीज चल गई। यहां मैं फ्रॉम मेन एक लूप लगा रहा हूं नीचे, ठीक है, होगा क्या, वो अपना काम कंप्लीट करेगा तो इस पे आएगा, ऐसे ही होगा ना, काम कंप्लीट करेगा तो इस पे आएगा, अभी भी ये यही करेगा, जब ये मेथड आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपका मेन वाला चलेगा, या इसको कम टाइम तक चला के देख ले सके, सही बात है या गलत बात, 5 times चला लेंगे कि ये अपना पूरा काम करेगा, 5 times चलेगा, फिर आपका नीचे आएगा कंट्रोल, इससे नीचे आएगा। जब ये पूरा हो गया 5 times अब ये मेन में आ जाएगा, आपका मेन वाला स्टार्ट कर देगा। ये तो नॉर्मल काम है, इसमें कोई थ्रेडिंग नहीं है, ये नॉर्मल काम। लेकिन अगर इसमें क्यों लिखा है, मैंने इसमें इसलिए लिखा है कि जो थ्रेड क्लास जब मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूं, एक्सटेंड करता हूं, तो रूल है कि आप जो अपना कोड लिखोगे, जो आप चाहते हुए थ्रेड करें, वो रन के मेथड में लिखोगे और रन मेथड पहले से इनका बना रहा है, सही। अभी मुझे यहां से रन नहीं कॉल करना है, मैं करूंगा कॉल स्टार्ट मेथड, ये रूल है थ्रेड का, आप बनाओगे रन, कॉल स्टार्ट करोगे, वो स्टार्ट क्या करेगा, वो इस रन को कॉल करेगा, लेकिन रन पहले भी कॉल हो रहा, स्टार्ट क्या करेगा, रन कॉल करेगा लेकिन इस जगह पे नहीं, जो आपका थ्रेड चल रहा है उसमें नहीं, एक नया थ्रेड बनाएगा दूसरा, वहां ये काम करेगा और आपके कंट्रोल को रिलीज कर देगा, आप जाओ अपना काम करो, मैं ये काम दूसरी जगह ले जाकर करता हूं, प्रोसेसर में नई जगह पे जाकर करेगा। अब एक प्रोग्राम दो काम करेगा, कैसे, ये क्या करेगा, स्टार्ट ये चीज नई जगह पर स्टार्ट करेगा और आपका कंट्रोल नीचे आके इस लूप को भी स्टार्ट कर देगा। मतलब ये भी चल रहा है, मेन चल रहा है, मेन थ्रेड भी चल रहा है। अब क्या होगा इसमें, देखो कंपाइल दोनों काम एक साथ, दोनों लूप एक साथ चल रहे, क्योंकि वो चीज
नई जगह पर जाके स्टार्ट हुई, नया स्पेस मिला उसको, अलग अलग वक्त, अलग इसको टाइम दिया है प्रोसेस करने के लिए। और मेन वाला आगे बढ़ गया जो करना, अब जो बाय ट्रेड होता था ना वो भी हो जाएगा अलग, लेकिन एक चीज थ्रेड में होगी, एक चीज मेन में होगी। ये सर मतलब दो ही थ्रेड कर सकते? नहीं नहीं, जितने हम चाहे थ्रेडिंग कर सकते। जैसे देखो इसको, ये एक थ्रेड हो गया, अब इसी के हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया, वहां भी काम वही कर रहा है, काम भी चेंज कर सकते। अब क्या होगा, एक थ्रेड स्टार्ट हुआ, नीचे आकर दूसरा थ्रेड अलग जगह स्टार्ट किया, दो चल रहे हैं और तीसरा मेन वाला चला, अब ये तीन लूप चलेंगे एक साथ। टी टू करना, थ्रेडिंग हो रही है ना, थ्रेडिंग डॉस एक वक्त में एक काम कर सकते। तो अब ये तीन थ्रेड चल रहे हैं, देखो ना दो दफा मेन लिखा हुआ है ना, दो दफा फ्रॉम थ्रेड लिखा हुआ है, पीछे कैसे चल रहा है? ये वाला जो है ना, ये स्टार्ट हो गया, इसने इस कोड को नई जगह पे स्टार्ट कर दिया, कंट्रोल नीचे आ गया, ये मिला इसने, ये भी इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है ना माय थ्रेड का, इसी चीज को एक और जगह स्टार्ट कर दिया, फिर तीसरी जगह ये, तीसरा ये काम हो रहा है, तीन काम हो रहा है। दूसरी क्लास बनी होती उसको भी स्टार्ट कर रहा है, कुछ और काम कर रहा है, सही है, समझ आया? अब इसमें हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ग्राफिक्स में लेके चलते हैं कि ग्राफिक्स में किस तरह करेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हमें अभी चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये तो एक तरीका था, दूसरा जो तरीका है ना वो भी अभी करना है। और बिना थ्रेडिंग के आपका प्रोजेक्ट सब यही जगह ही चल रहा हो, अगर आप चाहते हो कोई काम कर रहा हो वो काम थ्रेडिंग के बगैर तो प्रोग्राम कर ही नहीं, सिंगल काम कर सकता है कि भाई आपने डेटा दे दिया, डेटा ले लिया, डेटा मांग रहे हो डेटा दे दिया उसको, अगर वो ऑटोमेटिक कोई काम करना चाह रहा है ऑटोमेटिक थ्रेडिंग के बगैर नहीं। हमने कल स्नेक बनाया था, वो ऑटो नहीं चल सकता विदाउट थ्रेडिंग, टाइमर अगर लगा हुआ है टाइमर ऑटो नहीं चल सकता विदाउट थ्रेडिंग, हमें चलाना पड़ेगा किसी जगह जाके इवेंट लगा के या कुछ एक्शन परफॉर्म करके, वो सिर्फ दिखाएगा स्टैटिक लगा हुआ, हम कर सकते हैं की प्रेस पे बढ़ता रहे, कोई भी सॉफ्टवेयर थ्रेडिंग के बगैर ऑटोमेटिक काम नहीं, ऑटोमेटिक काम थ्रेडिंग से होता है, थ्रेडिंग आपकी हर जगह लगी होती है। जो आपका टीवी का रिमोट है ना, इस पे पता है क्या कोड होता है, ये नहीं होता है कि मैं बटन दबाऊं ये हो जाए, ये नहीं होता, ये जो आपका इंफ्रारेड लगा हुआ है इस पे कोडिंग हुई हुई है, ये वेट करता है, वेट से मतलब ये हर सेकंड या हर मिली सेकंड बाद चेक कर रहा है कोई बटन प्रेस हुआ, कोई बटन आया, कोई बटन आया, हाँ जैसे ही मैं उसको क्लिक करूंगा उसको सिग्नल मिलेगा, वो थ्रेड लगा हुआ है तो फिर वो काम करता है, ठीक है? तो थ्रेडिंग के बगैर भी नहीं होता है। बिजनेस वाले आप ये कर सकते हो, जैसे अगर आपका इसमें इस तरह हो सकता है कि आपकी कोई लिमिट हो कि भाई आप जो सेल कर रहे हो ना, आपने प्रोडक्ट सेल करनी है और वो प्रोडक्ट आपके स्टॉक में मौजूद ना हो,
तो वो बार बार चेक करता है, जैसे ही हो तो एक एरर आ गया कि आप आउट ऑफ स्टॉक, यू कांट सेल। एल्गोरिथम में भी कर सकते हैं इसको यूज, एल्गोरिथम इसके अंदर लगेगा, थ्रेड में तो बहुत काम हो सकता है, सर्चिंग इंजन है बिल्कुल, वो भी करता है, थ्रेडिंग में काम करता है, बिल्कुल वो चेक करता रहता है, वो थ्रेडिंग में हो रहा है। अब उनका टाइम ये है कि वो एक दिन का टाइम दें, एक घंटे का दें, कब कब चेक करें। हाँ, इसमें इसमें सिंक्रोनाइज पड़ेंगे, सिंक्रोनाइजेशन। ये मैं बना रहा हूँ न्यू जे फ्रेम टू, एक इस फ्रेम के ऊपर हम लगाते हैं एक लेबल, एक पे भी कर सकते हैं सब कुछ, इस पे ही सब काम हो जाए, इस पे भी कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट का होता है ना कि बार बार ऊपर नीचे बार हो रही होती, सारी थ्रेड्स में हो रही होती, बार बार वो डेटा ला रहा होता है इस तरह का। देखो इसमें मैंने लेबल लगाया, इसकी कोडिंग में जाके अब मैं मल्टी थ्रेडिंग फिलहाल नहीं कर रहा, फिलहाल इसी में काम कर रहा हूँ थ्रेड डॉट स्लीप वाले से। एक काम करते हैं कि यहाँ पे, अच्छा पहले फ्रेम थोड़ा सा वो करके देख ले, नजर आ रहा है नहीं आ रहा, ताकि आपको क्लियर कर दूँ ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखें बिल्कुल सिंपल, अभी फ्रेम बनाया है मैंने, इस पे एक लगा हुआ है लेबल, ये लेबल वन, ठीक है बिल्कुल सिंपल। इसके कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि और कोई जगह है नहीं कोड करने की अभी फिलहाल, कंस्ट्रक्टर में हम कोड करते हैं कि बाहर बना लेते हैं एक काउंटर और एक लूप लगा लेते हैं, ये लूप चले फाइव टाइम्स और i प्लस प्लस, इस पे क्या हो j फ्रेम पर, सही है, इस पे क्या हो लेबल पे सेट हो जाए वैल्यू ऑफ काउंटर प्लस प्लस, सही है। और थ्रेड स्लीप कर देते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, वन सेकेंड। अकॉर्डिंग टू दिस कोड इसने करना क्या चाहिए कि ये लेबल के ऊपर काउंटर की वैल्यू 0 0 सेट करे, एक सेकेंड रुक जाए, फिर 1 सेट करे, फिर 1 सेकेंड रुक जाए, फिर 2 सेट करे, 1 सेकेंड रुक जाए, है ना। काउंटर का साथ चेक आउट किया जाना चाहिए कि कितने पास कर रहा है, या एक काम करते हैं थोड़ा कंफ्यूजन कम करने के लिए काउंटर हटा देते हैं, आई आई ला रहा है सिंपल, सर वैसे सर ये लूप तो चलेगा सर, लूप चलेगा, फाइव टाइम चलेगा, फाइव टाइम चलेगा, ये सब इसके थ्रेडिंग में चलेगा बिल्कुल, एक सेकंड वेट करके फिर चलेगा बिल्कुल। पर काउंटर तो काउंट कर रहा है कितने वैल्यूज चल रहा है, कितने वैल्यूज चल रहा है, तो जो काउंटिंग हो रही है ना वो पहले हम प्रिंट करा था 0 1 2 3, अब वो लेबल पे सेट करा के लेबल पे नजर आ जाए, सही है काउंटर से एकदम भले दोनों। अब इसमें एक वेरिएबल बच गया आई भी, तो आ रहा आई भी 0 1 2 3 4 5, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में करना चाह रहा हूँ कि स्टार्ट में क्या हो कि लेबल पे वो चीज चल जाए। अब इस चीज को देखेंगे वॉर्ड से, ये हम करते हैं यहाँ पे फ्रेम नहीं आया ना मेरे आ जाएगा, लेकिन फ्रेम पे 4 लिखा हुआ आना के चाहिए था 0 1 2 3 4, और फ्रेम आया भी देर में सर वो हो गई पहले। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये पूरा प्रोग्राम अभी से मल्टी थ्रेडिंग नहीं की, नया थ्रेड नहीं बनाया, ये एक ही थ्रेड में काम करता है, इसको हमने लगा दिया लूप में, तो ये लूप में काउंटिंग कर रहा है, जब खत्म हो गया तब फ्रेम शो कर रहा है, जब उससे बाहर आ रहा है अपना काम करने से, क्योंकि सिंगल ही थ्रेड है, एक ही थ्रेड है,
अगर ये दो थ्रेड होते हैं फिर ये चीज अलग चल रही होगी, फ्रेम नजर आ जाए पहले, तो फायदा अभी फायदा नहीं है, अभी इसमें थ्रेडिंग हमने नहीं की है ना, अभी उसे उस थ्रेड को रोक के देखा है, अब उसको मल्टी थ्रेडिंग में लेके आते हैं जो हम वहां करते हैं ना, एस्कॉर्ट को हटाते हैं, हमें लेवल पे सेट करना है, एस्कॉर्ट को यहां से हटाते हैं, हम बनाते हैं एक नई क्लास, न्यू जावा क्लास, किसी भी नाम से बना देते हैं, थ्रेड माय थ्रेडिंग बना देते हैं, माय थ्रेड, ठीक है, समझ गए ना यादव, ये बन गई एक नई जावा क्लास, इसको हम एक्सटेंड करवा लेते हैं थ्रेड से, इसके अंदर रख देते हैं रन मेथड, और रन मेथड में ये काम कर देते हैं, लेकिन अब मसला ये आएगा जे लेवल रन इसमें तो नहीं और होगा फ्रेम, तो लेवल पे कैसे सेट होगा, फ्रेम इस क्लास में बना सकता है फ्रेम, या फिर इसको वहां बना ले फ्रेम, वो भी कर सकते हैं, है ना, दोनों चीजें हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पर हमने ये क्लासेस बनाई थी दो, मिसाल के तौर पर ये काम किया था दो क्लासेस, है ना, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि ये काम उठा के मैं इसी क्लास में रख दूं और इसको एक्सटेंड करा दूं थ्रेड, है ना, वहां पे क्लास बना के उसको डिफरेंट की क्लास में काम पे ऑब्जेक्ट बनाने का सर करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन यहां देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ये भी कर सकते थे काम, तो हम एक नई क्लास बनाई थी, अब ये काम जे फ्रेम पे लगेगा, अब हमारा रूल क्या है, पहला कि हमें इस जे फ्रेम को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा थ्रेड से, लेकिन ये कौन से, नहीं एक तो थ्रेड खोली हुई मैंने, ये तो मेन क्लासेस वगैरह है ना, क्या ये थ्रेड वाली जो भी बनाई है, और ये फ्रेम क्लास, सही है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करवाता हूँ थ्रेड से, तो ये तो ऑलरेडी एक्सटेंड हुई है जे फ्रेम से, और दो चीजों तो एक्सटेंड हो नहीं सकती, उसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर ले, लेकिन उससे अभी एक्सटेंड कर ले उस क्लास को, इससे एक्सटेंड कर ले, एक्सटेंड ये तो किसी और को नहीं कर सकती ना, क्योंकि ये क्लास जो है जे फ्रेम को एक्सटेंड कर रही है, दूसरी किसी भी चीज को एक्सटेंड नहीं कर सकती, एब्स्ट्रैक्ट में काम ही नहीं होगा हमारा, अगर मेथड होगा इसका सॉल्यूशन क्या है, थ्रेड बनाने के तीन तरीके, एक तो मैंने आपको बता दिए तरीके, दूसरा तरीका ये है अगर आप एक्सटेंड नहीं करना चाहते तो एक इंटरफेस दिया हुआ है जावा ने रन एबल के नाम से रनिंग, उससे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंटरफेस से इम्प्लीमेंट होता है, बाकी बिल्कुल सेम काम करते हैं, बिल्कुल, देखो इसमें किस तरह से के अभी हमने थ्रेड इस तरह से बनाया था ना, इसको हटा देते, इसे हमें करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट्स रनेबल्स, ठीक है, अब एक्सटेंड नहीं करेंगे, आपका ऑप्शन या तो एक्सटेंड करो या इम्प्लीमेंट, क्योंकि कभी कभार यह आता हमारी क्लास ऑलरेडी एक्सटेंड हो गई, हम कैसे एक्सटेंड करें, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं एक से एक्सटेंड एक्सर इम्प्लीमेंट, तो इसलिए इम्प्लीमेंट वाला भी ऑप्शन दिया, आप इससे भी कर सकते हो पॉसिबल, इसके अंदर हम लिख देते हैं पब्लिक वाइड रन, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिखा था, और यहां पे जो भी कोडिंग करनी लूप लगाना है जो भी करनी है ना, सही, अब थोड़ा सा डिफरेंस यहां आ जाएगा, अभी आपका थ्रेड ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इस चीज को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हमें इस तरह बनाना पड़ेगा थ्रेड इक्वल टू नी थ्रेड, ये थ्रेड क्लास जो जावा की है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सही, और उसके अंदर या इससे पहले इसका ऑब्जेक्ट माय थ्रेड का बनाना पड़ेगा पहले, और इसको पास करना, अब ये करना पड़ेगा लिंक करने के लिए, समझे रहे हैं, आउट होगा बिल्कुल, हाँ मौसम,
इम्प्लीमेंट के वजह से हमें ये करना पड़ता है कि अब उसको ऑब्जेक्ट बना के थ्रेड को देना पड़ता है कि हमने ये बनाया अब ये आप लो, पहले हम डायरेक्ट बना रहे थे, अब देना पड़ेगा थ्रेड। अब ये दो स्टेप में काम होगा और फिर थ्रेड स्टार्ट कर देंगे, अब ये थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा, जो भी उसमें लिखा हुआ है वो चल जाएगा। उस चीज को ग्राफिक्स में लेके चलते, यहां हम लगा देते हैं इंप्लीमेंट्स रनेबल, अब ये दूसरी क्लास की हमें जरूरत ही नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसके अंदर मेथड कंप्लीट करते हैं, पब्लिक वॉइड रन, ये मेथड क्या करेगा, ये लूप रन करेगा, जे लेबल वन डॉट सेट है, अब यहां जे लेबल एक्सेस हो सकता है क्योंकि इसी क्लास में होगी, आई और थ्रेड्स लिख 1000, ठीक है। ये तो अभी बना है, अब इसको स्टार्ट करना है ना, स्टार्ट भी करना है, स्टार्ट हम कंस्ट्रक्टर पे कर देते हैं, भले बाद में बटन पे भी करके देखते हैं, या पहले बटन पे कर लेते हैं कि बटन लगा के बटन प्रेस करूं तो ये थ्रेड स्टार्ट हो जाए, थ्रेड इक्वल टू न्यू थ्रेड, यहां पे हमें ऑब्जेक्ट पास करना था उस क्लास का जिसके अंदर थ्रेड इंक्रीमेंट हुआ हुआ है, अब किस क्लास में हुआ, इसी में हम लिख देंगे दिस, कि भाई इसी में और टी डॉट स्टार्ट, ये बटन प्रेस करने पे थ्रेड स्टार्ट करेगा और थ्रेड स्टार्ट करेगा तो ये कोड चल जाएगा आपका रन वाला, देखते हैं नई जगह पे चलेगा ये कोड, ये मैंने बटन प्रेस किया और वो स्टार्ट हो गया। देखिए वो जो मेथड हम लगा रहे थे ना वो मैंने बटन पे लगा दिया, बटन पे एक्शन परफॉर्म लगा के जो थ्रेड हम ऑटोमेटिक स्टार्ट कर रहे थे वो थ्रेड बटन दबाने पे स्टार्ट, अगर ऑटोमेटिक करना तो ये चीज कर सकते हैं, चलिए फ्रेम मिलते स्टार्ट और बटन से हटा के इसको रख देंगे ऊपर कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले चलता है ना, कि ये कंस्ट्रक्टर इस थ्रेड को स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट स्टार्ट करते, अब ये स्टार्ट होते डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, फ्रेम स्टार्ट होते सही। और अगर इसकी जगह पे सेट टेक्स्ट में हम रख दें लोकल टाइम उठा के, थ्रेड टाइम फॉर्मेट पर ऑफ पैटर्न आवर्स मिनट्स सेकेंड्स जे लेवल वन डॉट सेट टेक्स्ट एफ डॉट फॉर्मेट टी, ये क्या करेगा, इसका कोई लेना देना लूप से आप नहीं, अब ये क्या करेगा लूप चला करंट टाइम उठा के लाएगा, फिर अगली दफा लूप चलेगा एक सेकंड बाद तो करंट टाइम उठा के लाएगा, कोई प्लस माइनस कुछ नहीं, हर दफा हर सेकंड बाद नया टाइम उठा के लाएगा, हर दफा सेकंड देखो 8 बज रहे हैं, आवाज नहीं सर पता ही नहीं जवाब सेकंड किस का सेकंड किस का प्रोसेसर आपका फास्ट ना, ये सामने नजर तो आ रहा है पीछे क्या हो रहा है, हर सेकंड बाद नया उठा के ला रहा है और नया थ्रेड चल रहा है, फ्रेम डिस्टर्ब नहीं हो रहा, वरना क्या होता अगर इसी में करते फ्रेम नजर ही नहीं आता या फ्रेम स्टक हो जाता। सर आपने वो लगाया है ब्रेक वाला, ब्रेक नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे सिर्फ ये लगाया है इस लूप को रोका, इस ये लूप 100 टाइम्स चलेगा, अगर इसको आप इनफिनाइट लूप बना दो भले बन जाए चलता
सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि टाइम का सर वो फॉर्मेटर से उठा रहा है जो आप लगा है। फॉर्मेटर से उठा रहा है वो, लेकिन फॉर्मेटर सिर्फ एक दफा उठाएगा। लूप लगाने का मतलब है टाइम उठाओ एक सेकंड रुको फिर वापस चलो, टाइम उठाओ एक सेकंड रुको फिर वापस चलो, टाइम उठाओ एक सेकंड, समथिंग 100 बार चलेगा टाइम। लेकिन हमें इसको चलाना पड़ेगा इन्फिनिट, लूप चेंज करके कोई ऐसा लगा देंगे जो इन्फिनिट चलता है। वाइल का लगा के लिख देते हैं ट्रू, वाइल ट्रू का मतलब होता है ये लूप चलता ही रहे, रुके नहीं कभी, अभी कभी भी रुके, जब प्रोग्राम बंद होगा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। हर सेकंड बाद आ रहा है, अगर मैं उसको हर 5 सेकंड कर दूं, हर 2 सेकंड कर दूं, हर 3 सेकंड कर दूं, किस तरह मैं बताऊं, किस तरह ये लूप मैंने हटा दिया, ठीक है, हट गया। अब क्या होगा, ये रन मेथड थ्रेड चलेगा, टाइम उठाएगा, अभी जो टाइम है एक सेकंड रुकेगा, खत्म, थ्रेड खत्म। टाइम उठाया एक सेकंड रुका, थ्रेड खत्म। लूप का और थ्रेड का मतलब ये था कि लूप लगाने का मतलब ये है टाइम उठाओ, करंट टाइम क्या हुआ 8:00 फर्ज कर लो 2 सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ, फिर से टाइम उठाओ, अब क्या होगा 8:02 नहीं होगा, 8:03 हो गया होगा, वो देखो फिर रुक जाओ एक सेकंड बाद जब उठाओगे तो एक और इंक्रीज हो गया होगा ऑटोमेटिक टाइम। हमेशा नया टाइम उठा के ला रहा नहीं है, टाइम तो ऑटोमेटिक बढ़ रहा एक एक सेकंड, और लूप क्या कर रहा है बार बार टाइम उठा के ला रहा है, वरना सिर्फ एक बार टाइम है। हम टाइमर चलाना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि टाइमर चलता ही रहे जब तक प्रोग्राम चल रहे हैं, तब तक ये प्रोग्राम टाइमर चलता ही रहे। कोई भी रोबोट्स में यूज हो सकती है, रोबोट ऑटोमेटिक मूव करते हैं ना, थ्रेडिंग में होता है, ये जो आपका नीचे टाइम चल रहा है ना वो भी थ्रेडिंग में चल रहा है, एक अलग थ्रेड चल रहा है जब चल रहा है। हाँ बहुत सारे चलते हैं, मैंने अभी दिखाया था प्रोसेसर में थ्रेड कितने चल रहे हैं, अब ये हर सेकंड बाद नया टाइम उठा के ला, एक सेकंड रुक रहा है फिर नया ला, एक सेकंड रुक रहा है फिर नया ला। अभी देखो क्या हो रहा है 49 50 51 52। सर हर हमेशा जब हम थ्रेड बनाते हैं तो उसको ब्रेक देना जरूरी है? नहीं, हम देखते हैं कि हमें करना क्या है इसका ब्रेक, अगर हम चाह रहे हैं थ्रेड लगाए लेकिन टाइम ना लगे, टाइम ना सेकंड ना लगा, फिर क्या करेगा, फिर भी चलेगा, फिर क्या करेंगे बार 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 टाइम उठा रहा होगा, फौरन टाइम उठा रहा होगा। ये सर नहीं, उसमें क्या होगा अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो बार बार टाइम लेके आ रहा होगा, तो आपका प्रोग्राम थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि एक सेकंड के अंदर वो मिलियंस ऑफ टाइम जाके टाइम लेके आ गया होगा, तो हम उसको रोक रहे, रुक जाओ, क्योंकि हमें पता है वहां पर टाइम भी एक सेकंड बाद आ रहा है, तो अपनी मेहनत रोक दो। अगर मैं इसको 2 सेकंड के लिए पोस्ट करता हूँ यहाँ पे, 2 सेकंड के लिए बैठ, तो अब क्या होगा हर 2 सेकंड बाद टाइम उठा के लाएगा। अभी टाइम आया 42, अब आएगा 44 2 सेकंड बाद, अब 46 48, ठीक है 2 सेकंड बाद गया तो 2 सेकंड बढ़ गया यार, सही है। एसी चल रहा है, आदमी घुटनों के साथ चल रहा है और आगे बार बार पीछे देख रहा है, कोई भी नजरिया दे सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज, सही काफी है, तो इसको देखेंगे थ्रेडिंग को। और मैंने आपको टास्क दिया था लास्ट क्लास में कि रैंडम नंबर्स वाला याद हो गए थे, माफ कीजिए सर, आज तो इतना भी कर सकते गया हूं। अच्छा 3-4 दिन हो गए टास्क को, एक रैंडम नंबर कितने थे कल, मैंने कहा था आपको बटन को सेट करना, अभी पता लगी परसों कहा था रैंडम नंबर, क्योंकि जो आपका बिजली टास्क है ना वो ये है उससे रिलेटेड है, ये वाला तो क्या तुम्हारा जो
अब इसको हो क्या रहा है, नौ बटन लगे, इसका लेआउट लगा हुआ है ग्रिड लेआउट, अगर आप चाहो ग्रिड लगा दो अदरवाइज ऐसे ही रख दो अगर सेट होगा। लेकिन इन बटन पे नंबर आ रहे हैं, ये रेंडमली आ रहे हैं। अभी क्या आ रहा है 243195, नेक्स्ट टाइम ओपन करूंगा हो सकता है 413 आए, हो सकता है 11123 आए, समझे? नए नंबर डाल, क्लिक करने के लिए कैंसिल कर सकते हैं। काम करेंगे तो दो दिन से अभी मैं इसको दे रहा था, काम क्या करेंगे? ये जो आपके बटन थे ये जीरो से वन से लेके एक तक आ रहा है, नाइन वाला नहीं आता। कल मैंने टेन तक का डाल दिया था, उसमें एट लग जाएगा, आठ नंबर आए। कौन कौन से एक एम्प्टी ब्लॉक हो, अब वो चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं भी हो, कहीं ना हो, वहाँ देखिए वो सब डिजाइन दिखाने के लिए है, इस तरह हो, समझे? ये दो का डिजाइन। अब इस पे एक्शन क्या होगा? अगर मैं टू प्रेस करता हूँ तो टू चला जाएगा और वहां से रिमूव हो जाएगा। अब मैं हमें इसको सीधी काउंटिंग में ले, गेम में। अगर आप 5 प्रेस करते हो तो 5 चला जाएगा, लेकिन अगर 8 प्रेस करते हो 8 के पास कोई खाली जगह नहीं है, ऊपर खाली जगह में जाएगा ना सर, ये सिर्फ आगे शिफ्ट करता है, या तो यहाँ या यहाँ या यहाँ, ये वाला यहाँ 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 केड़ा नहीं सीधे से, ये वाला यहाँ या यहाँ कर सकते। तो ये जब खेलते खेलते पूरा सही हो जाएगा ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यू हैव वन सेकंड। अब वो इस तरह लॉटरी को जाना, पहले तो रैंडम नंबर जनरेट करवाने, इस तरह करवाने बटन पे सेट करने, वो भी इजी है ना, बटन 1 डॉट सेट टेक्स्ट गेट फर्स्ट नंबर, फिर इस पे जो एक्शन परफॉर्म लगेगी यहाँ वाले के लगेगी, जब मैं बटन 1 पे क्लिक करूँ तो चेक करें बटन 2 इस पे जा सकता है, उस पे जा सकता है, और बटन 4 दोनों में से अगर कोई भी एम्प्टी है तो उस पर जो इस पे लिखा हुआ है वो उस पर लिख दे और इसको कर दे खाली। अगर बटन 2 एम्प्टी है तो इस पे आ जाए कि 4, अदरवाइज 4 पे चला जाए, नहीं है तो बिना लो। सर जैसे हम आप बता रहे थे ये ऊपर को हम जैसे 4 वाला जो बटन है अगर हम उसको क्लिक करेंगे तो खाली वाले पे आ जाए, खाली वाले ये जो खाली वाले पे आना है ये हम उसी बटन पे करेंगे, इस बटन क्लिक पे कोडिंग, इस बटन पे कोड क्या होगा कि इसका ये 1 3 और 5 वाला, अगर खाली तीनों में से कोई भी एक खाली होगी, एक कोई भी एक खाली होगा तो उस पे चला जाए ये नंबर और तो खाली हो, फिर लास्ट में कंडीशन रहेगी अगर बटन 1 है बटन 2 है बटन 3 है तो गेम ओवर, तो क्या होगा? यू हैव वन कंप्लीटिंग है, कोई भी एक बटन का सर, कोई भी बटन को, मतलब रैंडमली एक बटन को खाली कैसे करेंगे? देखो पहले तो सेट कर लो, वो सेट कर लिए थे, सेट भी कर लिए, एक बना लिया हमने और रैंडम नंबर के बात को 1 से लेके 9 तक नंबर जनरेट करो, 8 तक नहीं 9 तक, ठीक है 9 और 9 के ना बटन को सेट कर। अब आपको नहीं, हाँ हाँ 9 के 9 बटन पे सेट होगा, सही है? आपको नहीं पता 9 कहाँ गया, हो सकता है 2 का है, उसका फर्क क्या है? चेक करो जहाँ पे 9 है उसको एम्प्टी कर दो, 9 वाला जहाँ जिस बटन पे 9 लिखा हुआ है उस बटन को खाली कर दो, उसका सेट टेक्स एम्प्टी कर दो। मैंने ये कोड बताया ना, ये देखो यहाँ मैंने पहले तो सेट कर लिए सारे, अब जो 9 का उसको हम एम्प्टी कर दिए बाद में। अब इस बटन पे कोडिंग होगी, ये चेक करेगा कि बटन
सेवन अगर इसका नाम बी सेवन है एमटी है इसका टेक्स्ट उठेगा इक्वल जीरो जीरो है टेक्स्ट लेंथ टेक्स्ट की लेंथ थ्री एम क्यू ये हो ना बी सेवन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इक्वल्स एमटी स्पेस नहीं है एमटी तो ये ट्रू देगा यहाँ पे बी सेवन एमटी जब इसका हम इस तरह इस मेथड से भी हो सकता है गेट टेक्स्ट के बाद अगर लेंथ लिखेंगे हम अगर ये एमटी है तो जो भी इसमें लिखा हुआ है बी एट पे वो चला जाए बी सेवन नहीं है तो चेक करें ये वाला बी फाइव सेम बॉडी नहीं है तो जाके बी नाइन चेक करें नहीं है तो कुछ भी ना करें स्टेप बाय स्टेप करना पहले दो बटन देखना इस तरह और दो बटन को इस पे क्लिक करना कोशिश करना कि यहाँ चला जाए क्लिक होने में यहाँ अगर ये चीज हो गई तो ये चीज हो जाएगी लॉगिन पर बस ये अगर ये सिंपल काम हो गया ठीक है ये मैं करके दिखा रहा हूँ सर आपका क्या सर वो मैं दिखा देता हूँ कोई कर सर वो टीम वाला था रिप्लेस वाला वो नहीं रिप्लेस वाला नहीं लगेगा देखो इसका हम क्या करें ये बटन वन है वो बटन टू है ठीक है बटन वन पे मैं कोडिंग कर रहा हूं के इफ या स्टेप बाय स्टेप इस तरह कर लेते हैं स्ट्रिंग एस इक्वल टू जे बटन टू डॉट गेट टेक्स्ट ठीक है दूसरे वाले बटन का टेक्स्ट उठा लो अगर एस डॉट लेंथ इक्वल इक्वल है जीरो तो जे बटन टू पे सेट कर दो जे बटन वन का गेट टेक्स्ट बटन टू पे सेट कर दो जो मेरे ऊपर लिखा हुआ है जे बटन वन का टेक्स्ट और जे बटन वन को खाली कर दो मुझे खाली कर दो उसको सेट कर तो अब ये कैसे चलेगा अगर वो खाली होगा तो यहां चला जाएगा अब इस पे कोडिंग करते हैं कि वो खाली है तो यहां आ जाए हर बटन पे कोडिंग होगी इस पे कोडिंग क्या करते हैं जे बटन वन डॉट गेट टेक्स्ट वन का क्योंकि वन का टेक्स्ट होना इनमें खुद टू अगर एस डॉट लेंथ जीरो है तो जे बटन वन पे सेट हो जाए जे बटन वन डॉट टू डॉट गेट टेक्स जे बटन टू एम्प्टी हो जाए ये दो बटन्स की कोडिंग है अब देखो इस पे मैं क्लिक करूं कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो एम्प्टी नहीं है वो भले लगे निशान लगा लेकिन ये चीज सत्य है ठीक है अब बस होगा ये कि मैंने वन के ऊपर पोर्ट किया टू के लिए दो बटन के होंगे हर बटन हाँ ये जो कोड लिखा है ना इसी तरह फर्ज कर लो दूसरा बटन होता तो ये कोड कॉपी किया बटन वन के ऊपर कोड होगा टू के लिए और थ्री के फोर के लिए टू और फोर बराबर वाली हाँ वन जो है ना वन की कोडिंग में कोड क्या होगा ये टू के लिए इसके ऊपर इसके लिए कोड होगा और इसके लिए होगा फोर इसी तरह जो बराबर में जा सकते ये खत्म हो जाएगा सर बीच वाले लिए बीच में चार बटन पे होगा टू फोर सिक्स और सेम होगा कोई डिफरेंस सेम भले हो सेम से वो कुछ करेगा ठीक है इस तरह हर बटन पे कोड लग जाएगा लेकिन उससे पहले ये रैंडम नंबर लगा ठीक है हो जाएगा चलो मिलते हैं फिर मंडे को हाँ अपना वाला एंट्री पहले शुरू में लोड करते ही